comes in our channel free सेल्फ स्टडी। हमने नर्सिंग के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसमें हम आरआरबी का फरवरी 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मास्टर पेपर सेट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये है सेट 2 और इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। सेट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेट 2 में नर्सिंग सब्जेक्ट के जो है 40 क्वेश्चन आए थे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 सेकेंड पार्ट में, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विद इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड। अब इररेसिस्टिबल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल, जो चीज़ रुक ना सके, अस्थिर हो। अर्ज जो तीव्र इच्छा है, डिज़ायर है किसी की। तो अब आप इसका मतलब समझो, एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विद इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड, कि भाई किसी की तीव्र इच्छा है, वह स्टेबल नहीं रह सकता एक जगह पर, ठीक है। अंदर से उसे रेस्टलेस हो रही है, कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है, वह एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास अकैथसिया, एकाइनेशिया, हाइपरकाइनेशिया, डिसकाइनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकैथसिया। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, आप यहाँ से इसका एक कैट वर्ड पकड़ सकते हो, ठीक है। ए कैट, कि भाई एक कैट, कैट किसे बोलते हैं, बिल्ली को, ठीक है, वो ध्यान रखना है। वैसे वो CAT होता है, लेकिन आप यहाँ से ये वर्ड पकड़ो कि भाई एक बिल्ली है और वह एक जगह पर स्टेबल नहीं रह सकती, ठीक है, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। तो इससे आपको ये जो क्वेश्चन है वो आराम से याद हो जाएगा। एन इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव अबाउट अलोंग विद इनर रेस्टलेसनेस इज कॉल्ड अकैथसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्पोजेबल आइटम्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इज। Sterilization is the process of making something free from bacteria or other living organisms. Sterilization एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को बैक्टीरिया से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। For disposable items, कि ऐसे आइटम्स जो इंटेंटेड टू बी थ्रो आफ्टर यूज़, जिनको हम यूज़ के बाद फेंक सकते हैं, तो उनको हमें स्टरलाइज करना है, उनको बैक्टीरिया से फ्री करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है। ऑप्शन है ड्राई हीट, इंसाइनरेशन, गामा रेडिएशन या बॉइलिंग हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन इसका सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। जो गामा रेज होती है ये जो होती है लिविंग सेल्स को भी किल कर सकती हैं। इफेक्ट विच मेडिसिन यूजेस टू इट्स एडवांटेज यूजिंग गामा रेज टू किल कैंसरस सेल। और इसलिए जो मेडिसिन में इसका यह फ़ायदा होता है, ये एडवांटेज होता है कि वो गामा रेज को कैंसर सेल को किल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो डिवीज़न होता है एबनॉर्मल सेल का वो अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है। वह एक कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड नहीं करती है, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती रहती है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं उनको किल करने के लिए भी गामा रेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडीशन इन विच द कोरोनरी सर्कुलेशन बिकम्स ब्लॉक्ड एंड द कार्डियक मसल सेल्स डाई फ्रॉम ऑक्सीजन स्टार्वेशन इज कॉल्ड। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है। एंड द कार्डियक मसल सेल, कार्डिया किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। एंड द कार्डियक मसल सेल, और हार्ट की जो मसल सेल है वो डाई, मर गई है फ्रॉम ऑक्सीजन स्टार्वेशन। स्टार्वेशन किसको बोलते हैं, लेक, कमी को बोलते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर गई है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कार्डिया हार्ट से रिलेटेड होता है, मयो उसकी जो हार्ट की मसल्स लेयर है, ठीक है, वो इन्फार्क्शन, वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड हो गई है और जिसकी वजह से जो मसल सेल है वो डाई हो गई है। जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाली जो आर्टरी है ये ब्लॉक्ड हो गई है और जिसकी वजह से ये मसल्स है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी हार्ट के मसल्स के पास, तो ये मसल डैमेज हो जाएंगी और इसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। Which of the following are the four basic types of tissues that the body contains? बॉडी में कौन से टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने एनाटॉमी में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू। ठीक है, चार टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं और जो इनके सब पार्ट्स होते हैं, मेन ये चार टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, नर्वस और मसल टिश्यू। टिश्यू कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इनका कोई स्पेशल फंक्शन होता है। इनका नॉर्मली मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा पढ़ाऊँगी तो इनके बारे में ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। जो मसल टिश्यू होती है वो मूवमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। नर्वस टिश्यू जो होता है वो नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एम से मसल, एम से मूवमेंट के लिए। नर्वस टिश्यू नर्व इम्पल्सिस के लिए। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट को, मतलब क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपी ऊपर से कवर करते हैं, मतलब लाइन द कैविटीज़ and surfaces of blood vessels and organs throughout the body, protection of the underlying tissues, ठीक है, जो हमारे organs हैं उनके नीचे जो tissues हैं उनको protect करते हैं, absorption में help करते हैं और glandular secretion में help करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड ओरल टेम्परेचर बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओरल टेम्परेचर, माउथ से टेम्परेचर, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें इंडिकेट नहीं किया जाता, मतलब जिनमें हमें माउथ से टेम्परेचर चेक नहीं करना होता। ऑप्शन है हमारे पास, पेशेंट हैड ओरल सर्जरी, अब किसी पेशेंट की माउथ की सर्जरी हुई है तो हम उसका ओरल टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते, सिंपल सी बात है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, जिसको एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी का मतलब होता है रिपीटेड सीजर्स आना, बार बार सीजर, कन्वल्जन आ रहे हैं उसे बार बार, ठीक है, सीजर हैपन अगेन एंड अगेन, रिपीटेड फॉर्म ऑफ सीजर्स को हम एपिलेप्सी बोलते हैं, तो उसका भी टेम्परेचर चेक हम ओरली नहीं कर सकते हैं। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग शेकिंग चिल, उसे शेक हो रहा है, ठीक है, शेक, शिवरिंग हो रही है स्लाइटली और अनकंट्रोलेबली हो रही है, तो उस टाइम पे भी हम उसका माउथ से टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो थर्मामीटर है वो उसके माउथ में ब्रेक हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर है कार्डाइटिस। अब आइटिस जिसके पीछे लगता है उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड, और कार्डिया किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड, तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट क्या है, कार्डाइटिस। ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, पेरिकार्डाइटिस, मयोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। इसकी जो लेयर्स होती है उनके बेसिस पे होता है। ये पेरिकार्डाइटिस है तो जो हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है। मयोकार्डाइटिस है तो हार्ट की जो मयोकार्डियम, उसकी जो मसल लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है। और एंडोकार्डाइटिस है तो उसकी जो एंडोकार्डियम लेयर है उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है। एक और टर्म हम यूज़ करते हैं पैनकार्डाइटिस। पैनकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंटायर हार्ट, मतलब हार्ट की जो सारी की सारी लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन तीनों का इन्फ्लामेशन होना, उसे हम बोलते हैं पैनकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजफुल ड्रग इन एन्यूरेसिस कंडीशन इज। एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, स्पेशली बाय चिल्ड्रन एट नाइट। कई बार चिल्ड्रन क्या करते हैं, रात में जो छोटे बच्चे होते हैं बेड वेटिंग करते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब उनका कंट्रोल नहीं रहता, यूरिनेशन इनवॉलेंट्री, अपने आप ही यूरिन पास हो जाता है उसका, तो उस कंडीशन को हम एन्यूरेसिस बोलते हैं। तो इसमें जो है कौन सी ड्रग देते हैं, हेलोपेरिडोल, डाइज़ेपाम, इमिप्रामीन या क्लोरप्रोमाजीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इमिप्रामीन। ये जो ड्रग होती है ये बेड वेटिंग में भी यूज़ होती है और ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रिंस शुड नॉट बी यूज्ड। जो एल्कोहल बेस्ड जो हैंड रिंस, हैंड सैनिटाइजर होता है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। किस कंडीशन में, ऑप्शन है इफ़ द पेशेंट हैज़ ए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रायर टू पेशेंट कॉन्टैक्ट, इफ़ फिंगर नेल्स आर चिप्ड या इफ़ हैंड्स आर विजिबली डर्टी। जो ये एल्कोहल बेस्ड हैंड रिंस होता है, हैंड सैनिटाइज़र होता है, ये हमें तब यूज़ नहीं करना चाहिए जब हमारे हैंड्स हमें दिख रहे हैं कि वो डर्टी हैं, ठीक है। यूज़ एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब व्हेन योर हैंड्स आर नॉट विजिबली सोइल्ड, जब विजिबली डर्टी नहीं है, विजिबली मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहे कि भाई डर्टी नहीं है आपके हाथ, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई आपके जो हैंड्स है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हैं, तो आपको उनको सबसे पहले सोप और वाटर से साफ़ करना चाहिए, उसके बाद आप इस हैंड सैनिटाइज़र का यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली हॉस्पिटल्स में जिन्होंने ड्यूटी की है उनको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में डायरिया का कॉमन कारण क्या होता है? डायरिया इज द कंडीशन ऑफ हैविंग एटलीस्ट 3 लूज और लिक्विड बाउल मूवमेंट्स ईच डे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रोटावायरस होता है। वायरस में रोटावायरस होता है, अगर बैक्टीरिया पूछे तो सेल्मोनेला की वजह से भी हो सकता है, बट वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फंक्शन ऑफ द स्टमक, जो स्टमक है उसका मेजर फंक्शन नहीं है। कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी में एमसीक्यूज़ को गलत पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें नोट दिया हुआ है कि भाई हमें जो मेजर फंक्शन है स्टमक का वो नहीं है, वो इनमें से बताना है। बल्क स्टोरेज होता है स्टमक में, केमिकल डाइजेशन भी होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन होता है उसमें मेन क्या डिफरेंस होता है? जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसमें तो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, जैसे ही आपने माउथ के थ्रू फूड खाया तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, तो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, उसके अंदर जो है एसिड और एंजाइम्स मिल जाते हैं। केमिकल डाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स। केमिकल डाइजेशन में उसमें एसिड और एंजाइम मिल गई, वह और भी छोटे छोटे ऐसे सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल्स, जो हमारी बॉडी की सेल्स यूज कर सकती हैं। द स्टमक रिलीजेस एसिड एंड एंजाइम फॉर द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, के लिए जो स्टमक होता है वो रिलीज करता है। द एंजाइम पेप्सिन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दे रखा है, जैसे जो स्टमक है वो पेप्सिन रिलीज करता है, तो वह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, ये दोनों माउथ में ही स्टार्ट हो जाते हैं जब हम फूड को लेते हैं और उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, और उसके बाद वह क्या होता है? सलाइवा के साथ में मिक्स होता है, तो एंजाइमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स का। द स्टमक कंटिन्यूज टू ब्रेक डाउन मैकेनिकली एंड केमिकली, तो यहाँ पे जो स्टमक है वो फूड को ब्रेक कर रहा है, मैकेनिकली भी ब्रेक कर रहा है और केमिकली भी ब्रेक कर रहा है थ्रू चर्निंग एंड मिक्सिंग विद बोथ एसिड एंड एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये जो चर्निंग है इसमें भी क्या होता है? टू मूव समथिंग स्पेशली लिक्विड विद ग्रेट फोर्स के साथ में, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो गया चर्निंग, और केमिकली में क्या हो गया? मिक्स कर रहा है उसे एसिड और एंजाइम्स दोनों के साथ में। तो केमिकल डाइजेशन भी होता है स्टमक में, मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होता है और बल्क स्टोरेज भी करता है। ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है ये नहीं करता, तो ये करता कौन है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्योंकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो कौन से पार्ट में होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटिज्म टर्म इज कंसिडर्ड एज, ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक मेंटल कंडीशन होती है प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग एंड फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चे को स्टार्टिंग से ही होती है, और इसमें क्या होता है? वह कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरों के साथ में, और ना ही दूसरों के साथ में अच्छे रिलेशंस बना सकता है। यहाँ पे कुछ साइंस आपको दिखाए हुए हैं ऑटिज्म के। इनएबिलिटी टू रिलेट टू चिल्ड्रन और अडल्ट्स, चाहे कोई बच्चे हैं या कोई अडल्ट हैं उनके साथ में रिलेट नहीं कर पाता है, वह अकेला रहता है। पुअर स्पीच होती है या लेक ऑफ स्पीच होती है, या तो वह बहुत तेज से अपने आप हंसता रहेगा या रोता रहेगा जोर जोर से। ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव टू साउंड, जैसे ही कहीं से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है उसे, तो वह उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी भी हो सकती है उसे, और कम सेंसिटिव भी हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट प्लेइंग विद टॉयज, अपने आप ही टॉयज के साथ में खेलता रहता है इनएप्रोप्रिएटली मैनर में। डिफ़िकल्टी डीलिंग विद चेंजेस इन रूटीन, ठीक है, उसे जो डेली के रूटीन्स हैं उनमें भी डिफ़िकल्टी फील करता है वह उनसे डील करने में। ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव टू टच, अगर कोई उसे छूता है तो भी वह ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है उसके लिए, या फिर उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड्स होते हैं जिनमें क्या होता है? वो कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है सोसाइटी से उनको। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया? सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ऑटिज्म टर्म क्या होती है? सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडेटिव एक्शन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सिडेटिव एक्शन किसके द्वारा शो किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अश्वगंधा। सीडेटिव्स हैव ए कामिंग इफेक्ट होता है इनका एंड कैन ऑल्सो इंड्यूस स्लीप। ठीक है, ये जो सीडेटिव ड्रग्स होती हैं इनसे क्या है, नींद आती है। ये एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं और स्लीप प्रॉब्लम्स को, बट यूजिंग देम कैन लीड टू डिपेंडेंस और एडिक्शन। बट अगर इनका जो हाई डोज में इनको यूज़ करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इनको यूज़ करते रहे तो इनकी डिपेंडेंस हो जाती है, कोई इनके लिए एडिक्शन हो जाता है। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे गंध आ रही है कहीं से तो आपको वो क्या कर रही है, उससे आपको सिडेशन हो रहा है, उससे आपको थोड़ी सी नींद सी आ रही है। ठीक है, तो सिडेटिव एक्शन इज शोन बाय अश्वगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट इन लेबर, द एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर शोज ए पैटर्न ऑफ वेरिएबल डे एक्सेलरेशंस इन फीटल हार्ट रेट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कोई मदर है, वो लेबर के अंदर है, लेबर पेन है उसे, द एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर शोज, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर से बच्चे की जो हार्ट रेट है वो चेक की जा रही है, तो उसकी जो हार्ट रेट है वो कम मिलती है, रिड्यूस हो रखी है, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो उस टाइम पे जो नर्स है वो क्या करेगी। ऑप्शन है हमारे पास, चेंज द पेशेंट पोजिशन, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, चेक फॉर प्लेसेंटा प्रीविया या एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्लेसेंटा जो होता है वो एबनॉर्मली प्लेस्ड होता है। एबनॉर्मली मतलब जहाँ पर उसे प्लेस होना चाहिए, जो उसकी करेक्ट लोकेशन है उस पर प्लेस ना होगी, कहीं और प्लेस होता है, और पार्शियली और टोटली कवर्स द सर्विक्स, और सर्विक्स को कवर कर लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेंज द पेशेंट पोजीशन। अगर कोई मदर लेबर में है, एक्सटर्नल फिटल मॉनिटर से बच्चे की हार्ट रेट चेक की गई और वह कम हुई, तो उस नर्स को सबसे पहले क्या करना है, उस पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर से चेक करना है कि जो फिटल हार्ट रेट है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ओल्ड। बीसीजी वैक्सीन को 1 साल से कम बच्चों को दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा है आपने, तो उसका जो रूट है वो क्या होता है, उसका जो रूट है वो इंट्राडर्मली होता है। बीसीजी दैट इज बेसिलस कैमेट ग्यूरिन इज ए वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। कई बार पूछ लेते हैं जो बीसीजी वैक्सीन है वो कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है, तो ये टीबी के लिए दी जाती है। और जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है इसका जो एंगल होता है वो होता है 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, यह जो है 15 डिग्री के एंगल पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सिफेलिक प्रेजेंटेशन इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए हैंड और फुट, इट इज कॉल्ड। इस सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसके अंदर क्या हो रखा है, बेबी का हैंड या फुट है, वह भी पेल्विक इनलेट के पास आ रखा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन वर्ड है वो समझो आप, ऑब्स्टेट्रिक में उसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ ए फीटस अबाउट टू बी बोर्न रेफर्स टू विच एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस इज लीडिंग। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसका कौन सा पार्ट है, बच्चे का कौन सा पार्ट है पेल्विक इनलेट के पास में, मतलब जहाँ से जो बर्थ कैनाल है, जहाँ से उसका बर्थ होना है, तो सबसे नीचे उसका कौन सा पार्ट है, एनाटॉमिकल कौन सा पार्ट उसका लाई करता है, तो उस कंडीशन को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीडिंग पार्ट दिस इज आइडेंटिफाइड एज सिफेलिक ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन भी, जो उसका लीडिंग पार्ट, जो पार्ट उसका पेल्विक इनलेट के पास में होता है, उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिए जाते हैं। और माल प्रेजेंटेशन क्या होती है, एनी प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़ करके बाकी सारी क्या होती है, माल प्रेजेंटेशन होती है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, टॉप ऑफ द हेड फर्स्ट, जब बेबी का जन्म होता है तो उसका जो हेड होता है, टॉप ऑफ हेड होता है, वो सबसे नीचे की साइड में होता है, पेल्विक इनलेट के पास में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या है, कॉमन प्रेजेंटेशन हो गई, जो प्रेजेंटेशन है माल प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को छोड़ करके जो है वो है। फेस प्रेजेंटेशन में बेबी का जो फेस है वो नीचे की साइड में होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन में भी क्या होता है, बेबीज उसकी जो नेक होती है वो स्लाइटली एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, जो ऐसे फुल्ली फ्लेक्स्ड बेबी होता है तो वो नहीं होता, उसकी जो नेक है वो स्लाइटली एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि सिफेलिक क्या होता है, हेड से रिलेटेड होता है कि भाई बेबी का हेड तो नीचे है लेकिन वह कॉम्प्लिकेट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ए हैंड और फिट, या तो उसका हाथ या पैर भी क्या हो रखा है, नीचे की साइड में आया हुआ है, तो उस जो सिचुएशन है तो उसको हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। Thanks for watching, and if you found my channel helpful then please like this video, share this video, and also don't forget to subscribe my channel.